एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं तीज के लिए स्पेशल साड़ी हॉल वीडियो। मीशो हॉल होने वाला है। सारी साड़ियां मैंने मीशो से मंगाई हैं, बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर साड़ियां मंगाई हैं। तीज है, आने वाले फेस्टिवल है और करवा चौथ भी आ रही है। अभी तो फेस्टिवल इतने ज्यादा मतलब आने वाले हैं कि हमें साड़ियों की तो जरूरत होती है। सारी साड़ियां A1 होने वाली हैं, ऐसी साड़ियां होने वाली हैं जिनको आप पूरे दिन वियर कर सकते हो और फेस्टिवल के हिसाब से बेस्ट साड़ी है। रेंज भी 1000 के अंदर है, कुछ अंदर है और कुछ 1000 तक की है। बहुत ज्यादा मतलब हाई रेंज की साड़ियां नहीं है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी की साड़ियां हैं। साड़ी की सारी साड़ियां पूरा हॉल देखना, क्योंकि 7 साड़ियों का हॉल होने वाला है। बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर साड़ियां हैं। और हाँ, आप है ना, लिंक के लिए प्लीज कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए और मेरा ये लॉन्ग वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए। आप बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि हमें लिंक नहीं मिल रहे, तो प्लीज शॉर्ट वीडियो पे लिंक जनरेट नहीं होते, कमेंट में भी लिंक नहीं जाते हैं। तो आपको मेरा कम्युनिटी पोस्ट चेक करना पड़ेगा या फिर आपको मेरा जो लॉन्ग वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। वहां पे आपको सारी साड़ियां, जितनी भी मैंने सूट्स डाले हैं, सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ आपको सारी साड़ियां। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। फर्स्ट वन साड़ी देखिए, नेवी ब्लू कलर की ये साड़ी, कितनी खूबसूरत साड़ी है। एक तो फैब्रिक देखिए, इतना सॉफ्ट फैब्रिक है इसका, कुछ जॉर्जेट और शिफॉन मिक्स कर दो उस टाइप का फैब्रिक है। बहुत खूबसूरत साड़ी है ये, और इतना सॉफ्ट फैब्रिक है कि मतलब इसको हम पूरे दिन वियर कर सकते हैं। पल्लू देखिए, कितना खूबसूरत पल्लू है, एकदम नीट एंड क्लीन इसमें वर्क हो रखा है। बहुत प्यारा लग रहा था पल्लू पे। ये रेड कलर के थ्रेड के टसल्स लगे हुए हैं, काफी सुंदर साड़ी है। बीच बीच में ये छोटी छोटी सी बूटियां लगी हुई है और यहाँ ऊपर और नीचे में इस टाइप का ये बॉर्डर दिया गया है। काफी प्यारी साड़ी है, बहुत सुंदर है और लाइट वेटेड है, बिल्कुल लाइट वेटेड है। इस टाइप की साड़ियां बहुत ज्यादा प्यारी लगती है। और देखो ये है ना, जो पल्लू, ये जो पाटली का जो पोर्शन है वो है आधे आधे, जो हाफ लेग्स होते हैं वहां तक ये बूटियां मिलेंगी आपको, ऊपर की साइड में टकिन में नहीं मिलेंगी। बहुत सुंदर साड़ी है, A1 है, हाईली रिकमेंडेड साड़ी है। फैब्रिक A1 है, बहुत सुंदर फैब्रिक है इसका, मतलब बहुत लाइट वेटेड फैब्रिक है। इसके साथ हमें सेम फैब्रिक सेम कलर का ब्लाउज मिलेगा जिसमें ये वर्क हो रखा है, तो इसको हम सिलाएंगे तो काफी अच्छा लुक आएगा। मैंने इसको रेड कलर के ब्लाउज के साथ वियर किया, उसके साथ भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी ये साड़ी। आप चाहो तो आप रेड कलर के मतलब ब्लाउज के साथ कंट्रास्ट में इसको पहन सकते हो। हाईली रिकमेंडेड साड़ी है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ट्राई ऑन मैंने साथ में लगा दिया, आपको सब पता चल जाएगा कि साड़ियां कैसी लग रही हैं, क्या है क्या नहीं है। सारी साड़ियों की फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। प्लीज लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां क्लिक करोगे तो आप मीशो पे पहुंच जाओगे, वहां से आपको शॉपिंग कर सकते हैं। और आप बोलते हो कि मीशो पे क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखिए, जो मैं लिंक देती हूँ, मतलब जो भी हम लिंक देते हैं, जो भी हम चीजें दिखाते हैं, तो आप वही लिंक पे जाके प्लीज शॉपिंग किया कीजिए। आप क्या करते हो, आप फोटोज लेके सर्च करके शॉपिंग कर लेते हो, फिर वो और कोई सेलर होता है तो वहां पे वो गलत प्रोडक्ट भेज देता है, तो फिर आप हमसे कंप्लेन करते हो कि आपने मतलब ऐसी साड़ी दिखाई थी वो तो खराब आई है। तो प्लीज जो हम लिंक देते हैं उसी से शॉपिंग किया करो, तो आपको एकदम परफेक्ट मतलब क्वालिटी की पीस मिलेगा। सेकंड साड़ी है, ये लहरिया प्रिंट की साड़ी है, जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। ये लहरिया जो वो है ना, बहुत सुंदर लग रहा था, पिंक और कुछ मतलब बेबी पिंक और ये रेडिश पिंक का ये कॉम्बिनेशन में साड़ी बेहद खूबसूरत है। इसका देखो पूरे में ये बॉर्डर लगा हुआ है पल्लू पे के, पूरी साड़ी में इस टाइप का बॉर्डर है, गोल्डन कलर की जरी और ये स्वीकेंस का पूरे में बॉर्डर है। बहुत लाइट वेटेड साड़ी है, हाईली रिकमेंडेड साड़ी है ये भी। ये वाली साड़ी भी पहन के बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर रही थी, मतलब फेस्टिवल में हम इसको पहन सकते हैं, तीज में भी इसको पहन सकते हैं, क्योंकि तीज में पूरे दिन हमें पूजा में बैठना वगैरह होता है, तो फिर ऐसी साड़ियां हमें अच्छी लगती है जो लाइट वेटेड हो। अभी गर्मी तो है ही, तो और इसके साथ हमें मिलेगा ये कॉटन सिल्क का ब्लाउज, सेम कलर का ब्लाउज है, कुछ हल्का सा कलर अंतर है, और इसमें भी यहाँ पे ये बॉर्डर मिलेगा। ये भी हाईली रिकमेंडेड साड़ी है, बहुत प्यारी लग रही है। इसका भी मैंने ट्रायल साथ में लगा लिया, मैंने इसको गोल्डन कलर के साथ पहना है क्योंकि मैंने ब्लाउज नहीं सिलाए, तो आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। लाइट वेटेड है और बॉडी शेप साड़ी है, बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी है। नेट साड़ी है ये, तो मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी, एकदम पीच कलर की ये साड़ी है, बहुत ज्यादा सुंदर है। इसको आप पिंक कलर भी बोल सकते हो, बेबी पिंक बोल सकते हो इसको, मुझे तो पीच कलर ही ये लग रहा है। बहुत खूबसूरत साड़ी है, ये वाली साड़ी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। इसका मुझे ग्रीन कलर पहले मैंने मंगाया था, वो भी बहुत खूबसूरत था, और अभी मैंने ये मंगाया है बेबी पिंक कलर, बहुत प्यारा लग रहा है, पीच कलर सॉरी।
इसके साथ हमें ब्लाउज मिलेगा ग्रीन कलर का और इस पे भी एकदम हैवी सा जरी का वर्क हो रखा है, ये भी बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था, कॉटन सिल्क का इसके साथ हमें ब्लाउज मिलेगा। कलर कॉम्बिनेशन से बेस्ट साड़ी है, इसके साथ ग्रीन कलर का ब्लाउज बहुत खूबसूरत लगेगा है। और साड़ी का फैब्रिक बहुत ज्यादा प्यारा है, मतलब कुछ सिल्क की ये साड़ी है और मुझे तो ऐसा लग रहा था ये वो होते हैं ना ऑर्गेंजा सिल्क, जो सॉफ्ट वाला ऑर्गेंजा सिल्क होता है उस टाइप की ये फैब्रिक है इसका, लेकिन बहुत ज्यादा प्यारा है। और पूरे पे वर्क देखिए इस टाइप का, ये वर्क जो हो रखा है ना जरी का और इसमें ये स्टोन का वर्क हो रखा है, इस पे ये पिकॉक बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत लग रही थी ये साड़ी, पहन के बहुत अच्छा लुक आ रहा था। और देखो कितना नीट एंड क्लीन वर्क हो रखा है, आई थिंक आपको सब कुछ दिख रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा, बहुत सुंदर है। पार्टली उस पे पोर्शन पे इसमें यहाँ पे बूटियां बनी हुई हैं हाफ पोर्शन में, ये भी हाईली रिकमेंडेड साड़ी है और बॉडी शेप साड़ी है ये भी, फटाफट से इसकी प्लेट्स बन गई थी। सबसे अच्छी बात होती है कि जो साड़ी हम अकेले पहन सकते हैं वो साड़ियाँ मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती है। तो ये भी साड़ी हाईली रिकमेंडेड साड़ी है, बहुत सुंदर है, मतलब तीज के लिए तो ये साड़ी मुझे बहुत ज्यादा परफेक्ट लग रही थी और बहुत कम प्राइस की, इस प्राइस में इस टाइप की साड़ियाँ नहीं मिलती है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ट्राई ऑन मैंने साथ में लगा दिया, सब कुछ आपको पता चल रहा होगा। नेक्स्ट साड़ी है ये वाली साड़ी है ना, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, कितनी प्याजी कलर की ये साड़ी है, बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर है। और इसका कॉटन सिल्क फैब्रिक की ये साड़ी है, इसके साथ पहले ब्लाउज दिखा देती हूँ आपको, नेवी ब्लू कलर का इसका ब्लाउज मिलेगा, ये भी कॉटन सिल्क की इसका फैब्रिक है, एकदम हैवी सा ये ब्लाउज है, इसकी देखो ये बाजू है, इसका ये फ्रंट पोर्शन है, इसको हम सिलाएंगे तो एकदम हैवी ब्लाउज बन के तैयार हो जाएगा। और ये साड़ी है प्याजी कलर की, ये साड़ी है कॉटन सिल्क की, इसका फैब्रिक है, फैब्रिक अच्छा है इसका, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैब्रिक था और फटाफट से इसकी प्लेट्स बन गई थी और काफी प्यारी लग रही थी। एक तो इसका वर्क देखिए, कुछ व्हाइट ग्रीन रेड येलो, मतलब कुछ मल्टी से कलर का इसका वर्क है, यहाँ पे इसमें थ्रेड के टसल्स लगे हुए हैं पल्लू पे जो काफी प्यारे लग रहे थे और वर्क भी बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, बीच बीच में ये बूटियां बनी हुई हैं जो काफी प्यारी लग रही थी। कुल मिला के बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, तीज के लिए परफेक्ट होने वाली है। और पार्टली पोर्शन में यहाँ पे हाफ तक, मतलब जहां तक हमारे घुटने आते हैं वहां तक ये बूटियां बनी हुई है, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर साड़ी है। और ट्राई ऑन मैंने साथ में लगा दिया तो क्लियर हो रहा होगा आई थिंक आपको कि कौन सी साड़ी कैसी लग रही है कैसी नहीं है। तो ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड साड़ी है, इस प्राइस में इस टाइप की साड़ियां आती नहीं है। देखो आजकल तो मतलब सूट ही इतने महंगे महंगे आती है तो साड़ियां तो वैसे ही और ज्यादा महंगी आती हैं। बहुत सुंदर साड़ी है, A1 हाईली रिकमेंडेड साड़ी है ये वाली भी। नेक्स्ट साड़ी है, ये तो मतलब इतनी ज्यादा लाइट वेटेड साड़ी थी कि इसको आप डेली के लिए भी ले सकते हो, मतलब डेली में क्या जैसे होते हैं ना हमारे मंडे के फास्ट चलते हैं या फिर कोई छोटा मोटा हमारा फास्ट है उसमें हम वियर कर सकते हैं, पूरे दिन वियर कर सकते हैं। डार्क पर्पल कलर की ये साड़ी है जिसपे सीक्वेंस, ये सिल्वर कलर के सीक्वेंस का वर्क हो रखा है, सीक्वेंस और धागे का वर्क हो रखा है, देखो कितना प्यारा वर्क हो रखा है, बहुत नीट एंड क्लीन है। और इसमें अच्छी बात क्या है कि पीछे की साइड में ना ये जो ये वर्क हो रखा है वहां पे ये फैब्रिक लगाया हुआ है, जिससे है ना जो जैसे हम किसी भी लाइट फैब्रिक पे और हम वो करते हैं मतलब एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो वो है ना थोड़ा सा टेढ़ा जैसा हो जाता है, जिसकी वजह ये है ना जो इसका पोर्शन है ये एकदम सीधा रहेगा। इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, मतलब बहुत ज्यादा मलाई जैसा फैब्रिक है, इसका सिल्क जैसा है, कुछ साटन सिल्क नहीं होता इस टाइप का इसका फैब्रिक है। बहुत प्यारी साड़ी है ये भी, मतलब पहन के तो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी और एकदम अच्छा सा लुक क्रिएट हो रहा था। वैसे प्लेन है इस टाइप से, ये बॉर्डर है, पूरी साड़ी प्लेन है लेकिन कलर बहुत प्यारा था इसका तो मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी ये भी साड़ी। और बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, इसका सेम कलर का इसका ब्लाउज मिलेगा लेकिन ब्लाउज कॉटन सिल्क का है, इस पे छोटी छोटी ये बूटियां बनी हुई है और यहाँ पे ये बॉर्डर बन दिया गया है जो काफी प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर है इसका, मतलब ये भी बहुत ज्यादा हाईली रिकमेंडेड साड़ी है। मैंने इसको सिल्वर कलर के ब्लाउज के साथ इसको वियर किया है तो उसके साथ भी ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी साड़ी। सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है तो बहुत ज्यादा अच्छा लुक क्रिएट कर रही थी और पूरे दिन हम इसको वियर कर सकते हैं। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो गर्मी में हम मतलब अभी त्योहार गर्मियों में ही मोस्टली है, अभी तो मतलब नवरात्रि तक तो गर्मी रहती है तो उस तक के लिए आप ये वाली साड़ी ले सकते हो, हाईली रिकमेंडेड साड़ी है ये भी, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। नेक्स्ट साड़ी है ये, इसका मतलब मुझे इतनी प्यारी लग रही थी ये साड़ी, देखो कलर देखिए आप कितना प्यारा कलर है इसका, बहुत ज्यादा सुंदर कलर की ये साड़ी है। पहले ब्लाउज दिखा देती हूँ, आपका मेहरून कलर का इसका ब्लाउज मिलेगा, कॉटन सिल्क इसका फैब्रिक है, इसमें यहाँ पे ये वर्क हो रखा है, कितना प्यारा वर्क हो रखा है, बहुत ज्यादा सुंदर वर्क है ये,
मतलब एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है इसमें, रेड कलर के थ्रेड का, जरी का और सीक्वेंस का, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था इसका ब्लाउज भी। और जो क्रश साड़ी नहीं होती, मतलब इस वाले फैब्रिक को आप पहले तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ये सिल्क का फैब्रिक है और कुछ क्रश स्टाइल का इसका फैब्रिक है, मतलब देखो हल्का हल्का सा ये जैसे होता है ना इस टाइप के फैब्रिक को क्रश फैब्रिक ही बोलते हैं आई थिंक, मतलब मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कौन सा फैब्रिक बोलते हैं इसको, मुझे तो जहां तक यही अंदाजा है सिल्क फैब्रिक की ये साड़ी है। और देखो वर्क देखिए कितना प्यारा वर्क हो रखा है इसमें, एकदम नीट एंड क्लीन। और ये जो इसका बॉर्डर दिया गया है वो कट वर्क में दिया है, बीच बीच में ये बूटियां दी गई हैं जो काफी प्यारी लग रही थी। बहुत सुंदर साड़ी है और तीज के लिए परफेक्ट साड़ी है, एकदम अलग सी साइन है इस वाले फैब्रिक में, तो ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है और पहनने में भी बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है, एकदम लाइट वेटेड सी साड़ी है और बहुत ज्यादा सुंदर सी साड़ी है। मुझे तो इसका कलर ही इतना प्यारा लगा था कि बहुत सुंदर लग रही थी, हाईली रिकमेंडेड साड़ी है ये भी और पहन के बहुत अच्छा लुक क्रिएट कर रही थी, मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगी थी। तो आप इसको भी, इस वाली साड़ी को भी ले सकते हैं और ट्राई ऑन मैंने साथ में लगा दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्राइस मैं साथ में मेंशन करती जा रही हूँ कौन सी साड़ी किस प्राइस की है, आई थिंक मुझे याद, मतलब इतना याद नहीं रहता, बहुत सारी साड़ियां होती है तो इसीलिए मैं देख के और वीडियो में लगा दूंगी कि कौन सी साड़ी किस प्राइस की। नेक्स्ट साड़ी है, एकदम मैंने डेली वेयर के लिए एकदम लाइट वेटेड सी साड़ी मंगाई है। बहुत से लोग होते हैं वो उन्हें हैवी साड़ी नहीं, जैसे कि हमें पूजा टाइम पे हमने हैवी साड़ी पहन ली, पूरे दिन हमें कुछ बहुत ज्यादा लाइट वेटेड सी साड़ी पहननी है, तो ये वाली साड़ी मेहरून कलर की ये साड़ी है। और इस पे है ना जो ये जो स्टोन लगे हुए हैं, ये जो चिपकाने वाले स्टोन नहीं होते उस टाइप की स्टोन का वर्क हो रखा है जो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था। आई थिंक मैं आपको उल्टी दिखा रही हूँ, इस पे ये डक बनी हुई है, पूरे ये पल्लू पोर्शन है इस पे जिस पे डक बनी हुई है, इसके भी हाफ पार्ट में पूरा जो हाफ है ना जैसे पार्टली स्टाइल से जो घुटने के नीचे नीचे का पार्ट है पूरे पे इस टाइप की स्टोन लगे हुए हैं जिसका वर्क हो रखा है, काफी प्यारी लग रही थी ये वाली साड़ी भी। और बहुत लाइट वेटेड साड़ी है ये, इसको हम मतलब पूरे दिन वियर करके रह सकते हैं, काफी अच्छी है। और इसका है ना जो ये है स्टोन है ये बिल्कुल भी निकालने पे निकल नहीं रहे थे, आई थिंक मतलब शायद वॉश के बाद नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकती कि निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, लेकिन हाँ अभी तो निकालने पे नहीं निकल रहे थे, नहीं तो बहुत जल्दी जल्दी छूटते हैं वो स्टोन, वैसे मोस्टली ये वाले जो स्टोन होते हैं वो निकलते नहीं। ये भी साड़ी हाईली रिकमेंडेड है, इसका भी सेम फैब्रिक सेम कलर का इसका ब्लाउज मिलेगा जहां पे ये बॉर्डर दिया गया है, ये भी हाईली रिकमेंडेड साड़ी है। सारी साड़ियां बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये था मेरा आज का साड़ी हॉल वीडियो, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, इजिली लिंक चाहते हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, अंजलि भारद्वाज 93 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको इजिली लिंक दे दूंगी। और हाँ आप मुझे मेरे पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, अगर आप फेसबुक पे हो आप यूट्यूब की वीडियो नहीं देखते हो तो मेरा फेसबुक पेज भी अंजलि भारद्वाज 93 है, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक भी एकदम वीडियो के ऊपर कॉर्नर में मिल जाएगा, वहां पे भी आप मुझे कमेंट करोगे तो वहां पे भी लिंक मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज मेरी कम्युनिटी पोस्ट चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए तो आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। और कैसा लगा हॉल वीडियो प्लीज कमेंट करके बताया करो, वीडियो पसंद आया करो तो लाइक जरूर किया करो, और अच्छी अच्छी आने वाली वीडियोज के लिए हॉल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।